नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। कुकिंग मेथड की सीरीज़ में आपका स्वागत है और मैंने ये पूरा ठान ली है, सारा का सारा जो भी कंटेंट है जो कि आपको एक 3 साल की डिग्री में सिखाया जाता है, डिप्लोमा सिखाया जाता है, सब कुछ मैं इंटरनेट पर डाल दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बशर्ते आप उस चीज़ को समझें, सीखें और एक्चुअली में लाइफ में अप्लाई करें, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, तभी जाके आपको लाइफ में जो आप एक सक्सेसफुल शेफ बोलते हैं वो बन पाएंगे। बाकी ये कुकिंग मेथड की सीरीज़ चल रही है, इसे फॉलो कीजिएगा अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, क्योंकि खासकर जब भी हम लोग इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या हम एक बड़ी पोजिशन पर भी पहुँच जाते हैं, हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तो इस बेसिक्स की सीरीज में कुकिंग मेथड्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। अब यहां पे जो सबसे पहला कुकिंग मेथड मैं ले रहा हूं वो है हमारा ड्राई मेथड। ड्राई को हम लोग दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पहला आ जाता है हमारा बेकिंग, दूसरा आ जाता है हमारा ब्रोलिंग। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बात करने वाले हैं ड्राई मेथड के, बेकिंग मेथड की। अब हम लोग बेकिंग कहाँ पे करते हैं? बेकिंग करते हैं हम लोग ओवन में, और सबसे ज़्यादा ख्याल हमें यहाँ पे दो चीज़ों का ही रखना होता है। सबसे पहला होता है हमारी क्वांटिटी, कि हम किस मात्रा में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंडियन खाना आपको बनाना है, कोई भी खाना आपको बनाना है, आपकी मात्राएं ऊपर नीचे होंगी। अगर 100 ग्राम प्याज के अगर आप 150 ग्राम भी ले लोगे तो चल जाएगा, पर बेकिंग के अंदर मेनली क्या होता है, बेकिंग के अंदर होता है आपको आपकी क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ आपको आपके टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अब बेकिंग के अंदर जिस प्रकार की जो माध्यम होती है वो होता है हमारा तापमान। यहाँ पे किसी भी प्रकार की आप लोग वसा या जो लिक्विड है उसका यूज़ नहीं कर रहे होते हो। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जो कि बेकिंग करते समय आपको ध्यान में रखने हैं, तभी जाके आप एक अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को बेक कर पाओगे। पहला पॉइंट यहाँ पे होता है राइट पोजिशन इन द ओवन। ओवन के अंदर अपनी ट्रे के अंदर किसी सामान को डाल देने से वो कभी भी कुक नहीं होगा। ओवन भी एक मशीन होती है, उसमें कई सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं जो कि गर्म नहीं होती है। गर्म मतलब है कि वहाँ पे टेम्परेचर कभी आता ही नहीं है, जैसे कौन जो ओवन्स की साइड्स होती हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट नहीं आती है। तो आपको ये चीज़ें तभी पता चलती है जब आपको एक्सपीरियंस होता है, बाकी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। आपको सिर्फ ओवन के अंदर डालने से आपका खाना नहीं पकेगा, किस जगह आपको रखना है, ओवन के सबसे ऊपर रखना है, बीच में रखना है, मिडिल में रखना है, और ये डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर आप क्या कुक करे हो। तो आपको एक सही पोजीशन ओवन के अंदर कैसे देखनी है वो भी आपको आनी चाहिए। दूसरा इसमें होता है हमारे कोल्ड स्पॉट मस्ट बी अवॉइडेड। जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप जैसे कि मान लीजिए आपने कई सारी ओवन्स के अंदर ट्रे लगा दी है, अब जो सबसे ऊपर वाली जो ओवन में ट्रे होगी वो कुक होगी, जो नीचे वाली होगी जो बीच में फंस जाएगी वो कभी भी नहीं होगी। तो इस एरिया को आपको अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर आपने रखा है तो कुछ समय के बाद आपको उसको रोटेट कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, या दूसरे शब्दों में बोलूँ जो कोल्ड स्पॉट होते हैं वो आपको आपके ओवन के पता होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ चीज़ बेक करते हो, आप देखोगे कि सारी जगह वो बेक हो जाता है, पर किसी एक पर्टिकुलर जगह में वहाँ पे कलर भी नहीं आया होता, वो इस कारण ही होता है कि वहाँ पे आपका जो कोल्ड स्पॉट होता है। तीसरा यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका करेक्ट टेम्परेचर। बेकिंग के अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपको टेम्परेचर नहीं मालूम है तो आप कभी भी बेक नहीं कर पाओगे। अलग अलग जो खाने होते हैं, अलग अलग हमारी डिशेज होती हैं, खासकर बेकिंग के अंदर हमको टेम्परेचर का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर केक्स हम लोग बना रहे हैं तो जो रिच केक्स हमारे होते हैं हमारा टेम्परेचर लो होना चाहिए। अगर हम लोग पेस्ट्री कुक कर रहे हैं तो हमारे ओवन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है प्रीहीटिंग ऑफ द ओवन। आपको कभी भी सीधा खाने को अपने ओवन के अंदर नहीं डालना होता है, आपको हमेशा पहले उसको प्रीहीट करना होता है। प्रीहीट करने का मतलब है आपको उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर डाल के उसको गर्म करना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई कढ़ाई रखी है, आपने कोई पतीला रखा है, अगर आप तेल डालते हैं तो तेल डालने से पहले आप कुछ समय तक अपने बर्तन को थोड़ा फायर के ऊपर रखते हैं ताकि वो गर्म हो जाए। आप तेल डालते हैं, तेल थोड़ा गर्म होता है, फिर जाके आप प्याज वगैरह डालते हैं। तो सेम उसी प्रकार से ओवन को प्रीहीट किया जाता है ताकि अगर आप कोई डिश डालें, कुछ भी डालें, तो स्टार्ट डायरेक्ट जो कि आपकी कुकिंग शुरू हो जाए। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला, अगर आप पतीले के अंदर तेल डाल देंगे, तेल के अंदर सीधा जीरा डालेंगे तो कभी भी अच्छा टेस्ट नहीं देगा या कुक ही नहीं हो पाएगा। तो सेम उसी प्रकार से आपको आपके ओवन को प्रीहीट करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है बेकिंग के अंदर वो आती है हमारी क्लीनिंग की। आपको अपनी ओवन की क्लीनिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। कई सारी जो मशीन्स होती है वो ऑटोमेटिक भी होती हैं, खुद ही धुल जाती हैं, आपको केमिकल डालना पड़ता है। खुद धुलने का मतलब नहीं कि अपने आप ही धुल जाएंगी, आपको केमिकल्स कौन से यूज़ करने हैं, ओवन्स की अच्छे से सफाई करनी है।
अगर आप लोग अच्छे से सफाई भी नहीं करते हो तो आपके ओवंस ख़राब भी होते हैं, और जो नेक्स्ट टाइम आप लोग कभी कुकिंग कर रहे होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें या परेशानी होती हैं। कभी कभी जैसे आपने कुछ मच्छी कुक करी है तो उसका टेस्ट आपकी ब्रेड्स के अंदर आने लग जाएगा, अगर आपने स्वीट कोई केक करा है या फिर आपकी कुछ ड्रिपिंग्स वहाँ पे हो गई है, शुगर मेल्ट होकर नीचे गिर गई है तो वो दूसरे खाने पर चिपक जाएगी। तो क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे लास्ट आता है यहाँ पे हमारा आता है ओवन का ऑपरेटिंग सिस्टम। हमको ओवन को ऑपरेट करना आना चाहिए, टेम्परेचर कैसे कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, प्रीहीट कैसे करते हैं, क्लीनिंग कैसे करते हैं, अगर कन्वेक्शन ओवन है तो किस तरीके से उसको हमको एडजस्ट करना है। ओवन के अंदर आजकल तंदूर का भी सिस्टम आ जाता है, उसके अंदर आपकी स्टीमिंग स्टूइंग वगैरह भी हो रही है, पर वो एक अलग पार्ट हो जाता है। पर अगर बेसिकली अगर बोलें तो तंदूर का जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बतलाया कि कुकिंग मेथड के अंदर जो ड्राई का पार्ट है उसके अंदर आपकी जो बेकिंग है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी सीरीज़ को फॉलो करेंगे और अपने बेसिक्स के ज्ञान को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।